तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऐसी टेक के यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे, एक मदरबोर्ड हमारे पास है एसरो का B450 स्टील लेजेंड। तो ये गेमिंग मदरबोर्ड के लिए आता है, गेमिंग पीसी के लिए। तो चलिए इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और सारा फीचर्स जानेंगे कि ये मदरबोर्ड गेमिंग के लिए कितना अच्छा है, हीट की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सारा डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमारा है मदरबोर्ड जो अमेजोन की तरफ से आया। इसको पहले हम लोग ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें कैसा पहले इसका बॉक्सिंग है वो हम देख लेते हैं। तो ये था मेन पैकिंग, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करके ये भी देखते हैं। इसके अंदर एक मदरबोर्ड का जो होगा और वो गाइड इसके प्रोटेक्शन के लिए, उसका मदरबोर्ड का जो डब्बा आता है वो होगा ही। ये था आपका इसका और एक पैकिंग। इसके नीचे जो आपको मिलता है वो है आपका मदरबोर्ड का मेन, जो आपका जो कंपनी की तरफ से आती है वो है। वो तो अमेजोन की तरफ से पैकिंग था, ये इसका है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग जल्दी से खोल लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे इस तरफ दिख रहा है एसरो का B450 स्टील लेजेंड है आपका ये। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से निकालते हैं जल्दी जल्दी। ये साइड से होगा चिपका हुआ, तो ये इसलिए आता है ना क्योंकि ये सब है थोड़ा नाजुक चीज़। तो इसको जितना सुरक्षा में कंपनी भेजेगी वो अच्छा है यूजर्स के लिए, कि आपका जो डैमेज नहीं होता है थोड़ा सा भी आपको मदरबोर्ड पे, कोई भी एक्स्ट्रा नुकसान आपको नहीं होगा। इसी वजह से इतना सेफ्टी के साथ आपका कंपनी देती है ये आपको। तो पैकिंग तो अच्छा था, आप देख ही रहे हैं कि कितने लेयर में इसकी सुरक्षा के लिए दिया गया था। तो देखिए ये आपका है मेन बोर्ड मदरबोर्ड जो आपका बी स्टील लेजेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ये आपका एसरो B450 स्टील लेजेंड। तो ये आपके सपोर्ट करता है AMD राइजन का। यहाँ पे 3000 दिया हुआ है लेकिन ये अपडेटेड है, इसमें आपका राइजन 5 और 7 को भी सपोर्ट करता है। तो चलिए अब इस बॉक्स को हम लोग ओपन करके देखेंगे इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कंपनी की तरफ से एक स्टिकर यहाँ लगा हुआ है तो हम उसको कट कर लेंगे इसे। तो चलिए ये हो गया आपका बॉक्स ओपन। तो लग रहा है यहाँ पर भी एक्स्ट्रा और कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। ये देखिए ये मेन डब्बा ख़त्म होने के बाद, तो देखिए आपके यहाँ पे और आ गया है। चलिए ये हमारा मेन बॉक्स है मदरबोर्ड का। तो चलिए अब इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले आपका सबसे पहले इंस्टॉलिंग के लिए दिया हुआ कुछ आपको स्टेप बताया गया, तो उसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपको दो बुक मिल जाता है मोटा मोटा एकदम क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, आपको अगर खाली टाइम में आप इसका पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए ये कोई यूज़ तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं नहीं। तो ये आपका उसका वारंटी के लिए है एसरो की तरफ से स्टील गार्ड का, ठीक है। ये आपका है मदरबोर्ड का CD। तो इसको आजकल कोई तो 90% तो लोग गारंटेड इसका इस्तेमाल करते नहीं है क्योंकि सारा ड्राइवर आपको नेट पर अपडेटेड मिल जाता है। ये आपका पैनल है जो आपके मदरबोर्ड के साथ आता है, जो आपका कैबिनेट में लगेगा। तो इसको भी हम लोग रख देते हैं बगल में। वायर में देख लेते हैं हमें क्या क्या वायर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका SATA वायर है। तो देखते हैं इसमें आपको कितना, एक या दो, इसमें भी दो लग रहा है तो दो ही होगा। तो ये देख लीजिए आपका यहाँ पे दो आपको SATA वायर मिल जा रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है इसमें आपको। चलिए तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। और ये आपका जो नट देख रहे हैं ये आपका दिया हुआ है M2 का, जो आप SSD कार्ड यूज़ करेंगे मदरबोर्ड में तो उसके लिए दिया हुआ है। तो इसको आप संभाल के रखिएगा, ये नहीं कि अनबॉक्सिंग करते समय ये नट आपको लगे कि कुछ नहीं है, खाली प्लोथिन है, फेंक देना है, छोटा सा है एकदम, आपको देखिए दिख रहा होगा यहाँ। तो इसको आप संभाल के रखिएगा। और ये जो मेन चीज़ हमारा है वो है आपका ये, तो ये है आपका मदरबोर्ड, ठीक है।
तो चलिए, तो ये हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं और डब्बे में हमारा अब कुछ नहीं है तो हम इसको रख देते हैं साइड में। तो अब देखिए ये आपका जो मदरबोर्ड है आपको दिख रहा है, तो चलिए हम इसको भी यहाँ से बाहर निकालते हैं। अब मदरबोर्ड आपका जो एकदम इसका जो देखिए, तो ये है आपका मदरबोर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो मदरबोर्ड है एकदम इसका जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये वाइट और ये ग्रे का जो कॉम्बिनेशन करके जो कलर थीम दिया गया इसको, ये इसका लुक एकदम काफ़ी करता है। यहाँ पे देखिए ये आपका RGB के लिए है, RGB लाइट है आपका इसमें, चलिए हीट सिंक के साथ लाइट RGB लाइट भी है। तो ये जब मदरबोर्ड यूज़ जब कैबिनेट में कसेंगे तो आप देखेंगे कि अब जब ये यहाँ पर जब जलता है तो ये काफ़ी इसका लुक जो है एकदम बदल देता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इसके देखिए सेफ्टी तो एकदम कंपनी भर भर के दी है कि यहाँ पे भी देखिए मदरबोर्ड के साथ ये थर्माकोल जो है ये भी फिक्स है ताकि ये हटे नहीं अपने जगह पर से। तो चलिए हम लोग इसको, ये खुलने वाला तो है नहीं, इसको हम लोग कट कर देते हैं। मतलब पूरी सुरक्षा के से आती आई एकदम ये, ठीक है। मदरबोर्ड पहले भी हम यूज़ किए हैं लेकिन ऐसा जो सेफ्टी के साथ पहली बार कोई मदरबोर्ड आया है, नॉर्मली काट एक पैक खोलिए आपको वो मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपका जो है इसका जो सेफ्टी फीचर्स एकदम काफ़ी अच्छा है कि भाई बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हो। कोई भी कस्टमर मंगाता है तो वो नहीं चाहता कि हम रिटर्न करें किसी कारणवश, तो वो कंपनी इसमें अच्छे से ध्यान रखी है। तो अब हम इसको यहाँ से भी बाहर निकाल लेते हैं। देखिए तो आप देख लीजिए मदरबोर्ड को एक अच्छे से, ये आपका पैनल है पीछे में जो आपको स्लॉट मिलता है, तो वो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका ये पुराना वाला PS2 माउस और कीबोर्ड के लिए है। यहाँ पे दो USB स्लॉट दिया गया है आपका, ये आपका एक है HDMI, ठीक है, एक HDMI का स्लॉट है, एक VDI स्लॉट है। यहाँ पे आपको 3.0 चार स्लॉट है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अपडेटेड 3.1 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर के लिए USB स्लॉट दिया गया है, ठीक है। और ये आपका Type-C है और ये आपका LAN है इथरनेट के लिए, चलिए। और यहाँ पे आपको ऑडियो के लिए मिल रहा है सारा। तो ये आपका हो गया। अगर मदरबोर्ड को सामने से देखिए तो यहाँ पे देखिए तो ये AMD Ryzen AMD बोर्ड के लिए सॉकेट है, तो वो आपको इसमें सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको 4 रैम मिल जा रहा, ठीक है, यहाँ पे रैम आपको, यहाँ पे आपको 2 ग्राफिक्स कार्ड के लिए स्लॉट मिल जा रहा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। PCI कार्ड के लिए भी आपको 4 ऑप्शंस है कि यहाँ पे आपको PCI में कोई कमी नहीं मिलने वाला है। कभी भी अगर आप कुछ भी स्लॉट्स बढ़ाना चाहते हैं LAN का, USB 3.0 का, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका मदरबोर्ड, देख लीजिए। तो अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कैबिनेट में। तो इस वीडियो में फिलहाल आप इस मदरबोर्ड के बारे में जान रहे हैं, ये आपका ASRock के तरफ से स्टीलिजेंट 450 बोर्ड है जिसकी प्राइस अभी आपको 10,000 के आसपास पड़ेगा। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, ये अच्छा चॉइस है अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बजट नहीं लगे, आपको ज़्यादा बजट का इस्तेमाल नहीं करना है, मिनिमम बजट में अगर यूज़ हो जाए तो मिनिमम नहीं मीडियम भी बोल सकते हैं। तो मीडियम बजट के लिए ये जो है PC आपका मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा, ये Ryzen कंपनी का है कि Ryzen 7 तक ये सपोर्ट करती है, Ryzen 7 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस बोर्ड पर। तो चलिए इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे Ryzen 5 का, तो वो आपको अगले वीडियो में इसका डिटेल्स मिलेगा, वो प्रोसेसर के साथ भी आएगा। तो ये हमारा था ASRock का स्टीलिजेंट 450।